और रियल रहना एक रियलिटी शो में मुझे बहुत भारी पड़ा। मैंने घर में रखा। तो ऐसे लोग पर्सनली तो मुझे स्वीट है।, तो है।, है और बहुत क्लियर है वो एक कैरेक्टर प्ले करती है एक एंटरटेन करती है मस्ती करती है हाई इट्स मी आकांक्षा पुरी एंड यॉचिंग मी ऑन आकांक्षा वेलकम टू टेलीग्राम सो सबसे पहले तो अनएक्सपेक्टेड uh, uh, you know, जी क्या कहना चाहूंगी इस एवेक्शन को लेकर इस <laughs> जर्नी को लेकर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही मेरे लिए जर्नी और बहुत ही जल्दी खत्म हो गई मुझे नहीं लगा था मैं इतनी जल्दी बाहर आके आपसे बात कर रही हूँ बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड और ये गेम डे वन से ही मेरे फेवर में नहीं था आकांक्षा अगर बात करें यू you नो know, इस जर्नी की बात या इस शो की बात क्या अपनी लाइफ में इसे कंसिडर करूंगी की आपने एक रियलिटी शो भी किया है मुझे तो सच में डेफिनेटली कंसिडर करूंगी काफी कुछ सीखा मैंने चौदह दिन में बहुत टफ बनाया शो ने मुझे चौदह दिन जमीन पे सोई हूँ तीन दिन जेल में रही हूं दो दिन शो में लेट गई हूं और इतनी हेटरेड जो चौदह दिन तक मुझे मिली है अकेले खेला है मैंने गेम किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और ऐसे ऐसे वर्ड्स मेरे लिए पेश कर दिए गए कि लोगों ने फिर वही मेरे अगेंस्ट यूज़ किए भले वो फेक हो फॉल्स नैरेटिव सेट करने वाली हो ओवर कॉन्फिडेंट फ्लॉलेस पिक्चर परफेक्ट और ओवर रिहर्सड ये सब वर्ड्स मैंने अपने बारे में कभी सुने नहीं थे और सुने थे तो मुझे लगता था ये एक कॉम्प्लीमेंट में और एक एडवांटेज था मेरा आज तक अगर कॉन्फिडेंट हूँ तो हूँ और ये चीज़ें ही मेरे लिए मेरे अगेंस्ट हुई और रियल रहना एक रियलिटी शो में मुझे बहुत भारी पड़ा ओके okay. सर so, ये जानना चाहेंगे वट इज वन थिंग यू नो जिस वजह से आप बाहर हो और वो आपको अंदर कर लेना चाहिए था। Uh, वही जो मैंने कहा जो जैसे मैं रियल लाइफ में रिएक्ट करती हूँ मैंने एक्जैक्टली exactly वैसे रिएक्शंस दिए अंदर जब बाहर मेरे फ्रेंड्स का झगड़ा होता है मैं उस पचड़े में नहीं पड़ती और मैं साइड से चली जाती हूँ या मैं बोलती हूँ यार इट्स ओके जब तुम लोग काम हो जाओ तब मैं बात कर लूंगी यही एटीट्यूड मैंने घर में रखा और वही मुझे भारी पड़ा यहाँ वो घर है जहां मुद्दों में घुस जाओ चिल्ला चोट करो थोड़ी अपनी आवाज उठाओ काम लोगों की डिग्निटी ग्रेस की शायद मुझे लगता है इस घर में जगह नहीं है बट मैं बहुत खुश हूं कि बाहर मेरे फैंस ने मेरी इसी चीज़ को अप्रिशिएट किया उन्होंने बोला कोई भी आपको नीचे खींच नहीं पाया आकांक्षा आप जैसी बाहर हैं आप वैसे ही अंदर रहीं और आपने अपना एक डिग्निटी एक ग्रेस मेंटेन किया एंड पीपल लव मी फॉर दैट आकांक्षा पुरी इज ऑलवेज नोन फॉर हर डिग्निटी एंड ग्रेस एंड आई एम ग्लैड कि मैंने वो एक घर के अंदर भी मेंटेन किया तो मुझे दुख नहीं है बट डेफिनेटली लगता है कि आगे अगर कोई रियलिटी शो करूं तो आ, ये चीजें हैं जो मैं सीख गई हूँ कि वर्क नहीं करती अंदर यही जो बात है आपने कहा यू you नो know, कि दूसरों के मुद्दे में नहीं घुसना यही सबको परेशान कर लिया था आपको पोक करते थे बट आप यू नो रिएक्ट नहीं करते थे पूजा मैम हो या फलक हो या बेबी का हो उन लोगों की एक ही बात होती थी कि ये रिएक्ट क्यों नहीं करती व्हाट वाज द वन रीज़न यू नो या उनको ज़्यादा तवज्जो आप नहीं देना चाहती थी या सी तवज्जो मैं नहीं देती हूँ इन बातों को ये मैं रियल लाइफ में भी करती हूँ मुझे नहीं लगता इस नॉनसेंस को मैं और हवा दू जब कोई बात मुझे नॉनसेंस लगती है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती कि मैं उसमें एक रिएक्शन दूँ मैं नहीं देती मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ और मुझे लगता है बात का फिर और बतंगड़ बनता है वो बात ख़त्म नहीं होती और मुझे बातों को फिनिश करने में ज्यादा बिलीव करती हूँ तो आ, वो ही मैंने एटीट्यूड अंदर रखा और वही शायद मेरे अगेंस्ट गया इस गेम में मनीषा का एक कहना था जब आप जेल में जब से जेल के पहले जब आप बाहर थी और जेल के अंदर जाकर आने के बाद वो आपको स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं दिखती थी इसके बारे में आप क्या कहना चाहूँ आ, उनको आ, उन्होंने मुझे बहुत बार ये कहा भी है मेरे मुंह पे कहा है कि आप मुझे बहुत स्ट्रांग लगती हैं इस गेम में और इसलिए मैं चाहती हूँ आप अपने रिएक्शंस ऐसे दें आप वो दें क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो तो पीछे से उन्होंने ऐसे कहा है तो तो काफ़ी कॉन्ट्रोडिक्टिंग बात है क्योंकि मेरे मुँह पे अभी आने से पहले भी उन्होंने बहुत बार बोला और वही एक थी जो कंटिन्यूसली कह रही थी कि मुझे लगता है जिया जाएंगी आप नहीं जाएंगी आप बहुत स्ट्रांग हो और जैसे आपने टास्क किया आपकी वजह से हम ये गेम जीते हैं उन्होंने मुझे बहुत बार क्रेडिट दिया और मुझे काफ़ी रियल लगती हैं तो अगर इन्होंने उन्होंने ऐसा कहा है तो हम सरप्राइज कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा आकांक्षा स्टार्ट में आपका जैट का बॉन्ड जो बन रहा था काफी लोग प्यार कर रहे थे बट उसके बाद मनीषा का कहीं ना कहीं ये कहना था कि जब आपका जैद और मनीषा साथ में आते हैं तो आप जेलस फील डेफिनेटली नहीं क्योंकि मनीषा बहुत स्वीट है और बहुत क्लियर है वो एक कैरेक्टर प्ले करती हैं एक एंटरटेन करती हैं मस्ती करती हैं और उनकी और हबी भी इनफैक्ट मैं जीजू जीजू भी कह रही थी उनको मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वो मस्ती और जब मेकर्स ने लाइक जब शो में होस्ट ने शो के वीकेंड के वार पे कहा जैद को कि आकांक्षा और तुम्हारा एंगल फेक लग रहा है वो लोग बाहर पसंद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और मनीषा और आपका अच्छा लग रहा है आप वो करिए तो वो बिल्कुल फ्लिप मार गए कहाँ वो मुझे दो दिन तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे मैरी मी तक उन्होंने मुझे बोल दिया था और उसी के बाद जैसे ही वीकेंड का वार हुआ वो कट टू बिल्कुल चेंज हो गए और उन्होंने भी यही सोचा कि हाँ मैं होस्ट को फॉलो करता हूँ जो मुझे कहा गया फॉलो करता हूँ यहाँ से मैं कट लेता हूँ तो वो बिल्कुल ही कट गए और मुझे लगा फिर सही हुआ अच्छा ही हुआ बोल दिया क्योंकि बाद में ऐसा करते तब तक मैं और फील करने लगती उससे पहले अच्छा हुआ कि वो पहले ही खुद ही उन्होंने डिस्टेंस कर लिया तो क्या लगता है आपको बाहर निकलने के बाद अगर जैद आपसे मिलना चाहे आपसे दोस्ती बनाना चाहे यू you नो know, जो घर में हमने देखा सेम वो बाहर चीजें हो तो विल यू एक्सेप्ट हिम यार पहले तो अभी एट दिस पोजिशन तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज हूँ क्योंकि बाहर भी आके मैंने कुछ क्लिप्स देखे और पीछे से बैक बिचिंग करते हैं झूठ बोलते हैं मेरे मुँह पे कुछ पीछे कुछ तो ऐसे झूठे लोग पर्सनली तो मुझे लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं है बट मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली जैद है क्या जे एक्चुअली क्या है और अगर ऐसा मिलने का मुझे मौका मिला तो मैं डेफिनेटली मिलूंगी ये देखने के लिए कि वो वो हैं जो मुझे पहले दो दिन मिले थे कि वो वो हैं जो मुझे आखिरी के कुछ दिनों में थे या वो जो वो बीच में थे वो है क्या एक्चुअली मैं भी ये जानने के लिए आ, मैं जानना चाहती हूँ काफी क्यूरसिटी है मुझे तो अगर ऐसा मौका मिला मैं डेफिनेटली मिलूंगी सो so, सलासी जाते जाते ये जानना चाहेंगे अभी आपने रिसेंट एक यू नो इंटरव्यू में कहा कि आपका बजट ज्यादा था सो so, कहीं ना कहीं ये ये कह सकते हैं कि आपका बजट ज्यादा होने की वजह से आपको जेल में ज्यादा भेजा गया चौदह दिन आप जमीन पर सोए ये सब कह सकते हैं सबसे ज्यादा पनिशमेंट आपको ही मिली इस सीजन ऐ, में ये तो एक मस्ती की बात है एक जोक है ऐसा कुछ भी नहीं है ये तो डेफिनेटली रीजन नहीं हो सकता कि, आ, कि आपको अच्छी के महंगा पड़ रहा है कोई आर्टिस्ट तो उसको चौदह दिन में भगा दो तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये रीजन होना ले, चाहिए लेट एंट्री तो फिर तो उन्होंने दो दिन वेस्ट भी तो करे फिर तो पूरे वसूल करते ना जितने पैसे दिए तो फिर तो तो ये बात तो मुझे नहीं लगती ये रीजन डेफिनेटली नहीं है बट डेफिनेटली टारगेटेड मुझे पहले दिन से फील हुआ और मैं गेम में काफी पीछे हो गई थी जेल हो दो दिन लेट हो या ये सब टर्म्स हो तो गेम मेरे फेवर में नहीं था ये मुझे पहले हफ्ते ही समझ में आ गया था और मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांगली फील हो गया था कि आ, अगर ऐसा ही चला तो मैं ज्यादा दिन नहीं हूं यहाँ पे लास्ट बेबी का के बारे में क्या कहना चाहूंगी या तो इस घर में कौन डिजर्व नहीं करता है यू you नो know, फिनाले तक के रहना सी बेबी का फिर भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट करती है भले वो एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो एक कैरेक्टर वो सोच के आई है एक स्क्रिप्ट लेके मैं वैम्प फॉलो बनूंगी इस शो की और बोलती भी है डॉली बिंद्रा और कुछ कुछ नाम लेती हैं कि वो उनसे इंस्पायर्ड है और वो डेफिनेटली है वो एक मुझे लगता है कि मन में एक स्क्रिप्ट उन्होंने प्ले किया है चिल्लाना है बातों का मुद्दा बनाना है लोगों को उंगली करना है तो मैं दिखूंगी और वो दिख भी रही है मैंने कुछ एपिसोड देखे वही फुटेजेस सबसे ज्यादा चल रही है तो मुझे तो फिर तो ये देख के लग रहा है वो सही ट्रैक पे है वो एटलीस्ट तो कर रही हैं उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया पर वो कैरेक्टर चल रहा है उनका बट फलक क्या कर रही है अंदर मुझे नहीं पता वो बिल्कुल ही बोरिंग लगती है मुझे उनका कोई टेक नहीं है किसी चीज में वो एक असिस्टेंट और केयर टेकर लगती है मुझे साइरस और आ, पूजा मैम की और साइरस वहां पे खाना खाते हैं सो जाते हैं जिम करते हैं उसके अलावा घर में भी उनका मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम लगता है उनसे इनफैक्ट हम लोग बकरा देख के लाइक वी देख के बहुत एक्साइटेड थी मैं उनसे मिलकर उनकी एनर्जी क्या होगी ये होगी वो ऐसा मुझे घर में बिल्कुल नहीं लगा उनको मिलकर और वो इंसान अच्छे हैं बट इस शो के लिए कंटेंडर वो सही नहीं लगता <laughs> तो नाराज है मेरे फैंस मुझसे काफी हैं तो सॉरी आप इतनी जल्दी मुझे बाहर देख रहे हैं आई 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 एम एम रियली सॉरी दैट यू बट हैप्पी कि जितनी भी मैं घर के अंदर थी आपने बहुत प्यार दिया मुझे बहुत सपोर्ट किया प्लीज हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करिए एंड आई लव यू सो मच थैंक यू फॉर एवरीथिंग Hi, it's me Akanksha Puri and you're watching me on Telegram.